To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बच्चों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आर स्क्वायर्ड एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड का तो पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर से कैसे हासिल होता है और इनका डिफरेंस क्या है, क्यों एडजस्टेड आर स्क्वायर कंसिडर किया जाता है, क्या ये प्रेफरेबल है या नहीं है, इन सारे सवाल के जो जवाब हैं वो इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में देखेंगे। देखें एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को, इनके डिफरेंस को समझने के लिए हमें जो चीज़ एक सबसे पहले समझनी पड़ेगी वो है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप किस एस्पेक्ट से देख रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे निकलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप सम देख रहे हैं, तीन वैल्यूज़ का सम, फॉर एग्जांपल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इसका सम आ गया आपके पास 10। तो अब देखें एक्स वन की वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं, आपकी जो मर्जी आप रखना चाह रख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ भाई ये मुझे 200 चाहिए, ओके जी सही आप 200 रख लें। अच्छा एक्स टू की वैल्यू, भाई कोई कह रहा है मुझे ये 90 चाहिए, आप 90 रख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब एक्स थ्री की वैल्यू बाउंड है कि जब इन तीनों को सम करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 200 एंड 290, आंसर 10 आने का मतलब है कि यहाँ पर आएगा -280, यानी ये लिबर्टी ख़त्म हो गई यहाँ पे। इसमें लिबर्टी थी कि आप अपनी मर्जी से वैल्यूज़ प्लेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिबर्टी ख़त्म हो गई क्योंकि तीनों का सम क्या चाहिए, 10 चाहिए। इसी तरह अगर एवरेज हो उसमें यही सूरत हाल है। अब बात क्या है कि कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ रख सकते थे इन तीनों में से, दो, ठीक है। तो टोटल कितना है, थ्री, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थ्री हैं और दो में लिबर्टी थी अपनी मर्ज़ी से वैल्यू रख सकते थे। एक ऐसा था जो अपनी मर्ज़ी से वैल्यू नहीं रख सकते थे क्योंकि इसका आउटकम हमें पहले से पता है। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे यानी वो ऑब्जर्वेशन जिसमें आप लिबर्टी थी आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू रख सकते थे वो आएगा एन माइनस वन, यानी थ्री इसमें से वन निकाल दें, दो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इस तरह अगर यहाँ 10 ऑब्जर्वेशन हो और उनका कोई सम मौजूद हो या कुछ भी मौजूद हो तो उसमें से 9 ऑब्जर्वेशन आप अपनी मर्जी की रख सकते हैं। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ऐसा बचेगा जो आपको वही रखना पड़ेगा जिसका सम आपके पास ही आए। तो इसी वजह से जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम, एवरेज इन सब का निकाला जाता है तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलता है, एन माइनस वन। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट था समीशन और एवरेज के लिए। अब ऐसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है रेग्रेशन में। फॉर एग्जांपल आपके पास मॉडल है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x, दो वेरिएबल है आपके पास, चलिए तीन ले लेते हैं समझ में आएगा z, और यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जैसे ये एयर है 01, 02, 03, 04, 05, 06 और यहाँ पे हमने ले लिया y x z। अच्छा आप देखिए, अब देखें इस रेग्रेशन मॉडल में मुझे कितनी चीज़ें एस्टीमेट करनी है। देखिए वाई एक्स और जेड तो गिवन है, मुझे एस्टीमेट कितनी चीज़ें करनी है, देखें ये अल्फा करना है, बीटा वन करना है, बीटा टू करना है, तीन चीज़ें एस्टीमेट करनी है। तो जितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन है, जितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास मौजूद है उसमें से माइनस कर दें वो उतनी नंबर जितने आपको एस्टीमेट करना है। जैसे यहाँ पर तीन वैल्यूज एस्टीमेट करनी है तो आप ये तीन निकाल दें, कोई सी भी तीन कर सकते हैं, तो कितने रह गए, रिमेनिंग थ्री। अब ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये कॉन्सेप्ट, ये किस एस्पेक्ट्स में हम बात कर रहे हैं, रेग्रेशन में। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं प्रिडिक्शन उतनी बेहतर होती है, फॉरकास्टिंग उतनी अच्छी होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होने का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा होना, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ज़्यादा होने का मतलब है आपके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आएंगे, आप ज़्यादा ऐसे रिजल्ट ला सकते हैं जिससे आप ज़्यादा अच्छी फॉरकास्टिंग कर सकें, ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन कर सकें। अच्छा अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रेग्रेशन के एस्पेक्ट से क्या बनेगा, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस के कह देते हैं हम स्लोप कोफिशिएंट को यानी बीटा को, कितने यहाँ पर जैसे टू के कह दिया और एक इंटरसेप्ट तो होगा ही होगा, उस इंटरसेप्ट का हमने निकाल दिया वन, तो यहाँ बचा एन माइनस टू माइनस वन एन माइनस थ्री, ये आपके पास आया डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें, रेग्रेशन के एस्पेक्ट से। इसीलिए याद रखिएगा
आपने एक चीज पढ़ी होगी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रही और नंबर ऑफ पैरामीटर्स ये रहे. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ पैरामीटर से ज्यादा होंगे तभी रिग्रेशन रन भी होगी, अदरवाइज रन नहीं हो सकती. इसलिए अगर आपके पास तीन पैरामीटर्स आपने एस्टिमेट करने और आपके पास तीन ऑब्जर्वेशन है तो रिग्रेशन कभी भी रन नहीं हो सकेगा, एरर दे देगा कोई भी सॉफ्टवेयर से आप रन करें. इसलिए कहा जाता है कि अगर तीन आपने एस्टिमेट करने ऑब्जर्वेशन कम से कम चार हो, पांच आपने एस्टिमेट करने ऑब्जर्वेशन कम से कम सिक्स हो, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स. अगर ऐसा होगा तो ही आप रिग्रेशन रन कर सकेंगे. तो यहां पर अभी हमने एक चीज देखी डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, कि अगर समेशन या एवरेजेस के हवाले से देखा जाए तो एन माइनस वन ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, और अगर रिग्रेशन के एस्पेक्ट से देखा जाए तो जितने पैरामीटर्स आपने निकालने इंक्लूडिंग अल्फा एंड बीटा स्लोप और इंटरसेप्ट कोफिशिएंट उसको माइनस कर देंगे किसमें से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से, तो आपके पास आ जाएगा क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिग्रेशन के एस्पेक्ट से. तो हमने इसका फॉर्मूला कैसे किया, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, के नंबर ऑफ स्लोप कोफिशिएंट यानी बीटास, माइनस वन क्योंकि इंटरसेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे करेंगे, तो एन माइनस के माइनस वन आपके पास फॉर्मूला बन गया डिग्री ऑफ फ्रीडम का. किस एस्पेक्ट से, जब आप बात करेंगे किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के, रेग्रेशन के, रेग्रेशन के एस्पेक्ट से बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बन गया एन माइनस के माइनस वन. तो देखें अब हमारे पास ये मॉडल है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू जेड, और ये इसका डेटा हमारे पास मौजूद है. अच्छा अब प्रिडिक्शन पावर हम आर स्क्वायर वाले उसमें देख चुके हैं कि आर स्क्वायर बेसिकली क्या शो करता है, कि प्रिडिक्शन पावर कितनी अच्छी है मॉडल की, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को कितना अच्छा फोरकास्ट कर रहा है. अब यहाँ पर एडजस्टेड आर स्क्वायर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कॉन्सेप्ट है इसको देखें. देखिए आपके पास ये मॉडल है, आप इस मॉडल को अगर रन करेंगे तो कोई ना कोई आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा, वो ये बता रहा होगा मॉडल की प्रेडिक्टेड पावर कितनी है. ठीक है, अब कोई वेरिएबल मॉडल में ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉडल ऐड कर दिया बीटा थ्री वेरिएबल ए, मैंने मॉडल ए ऐड कर दिया, वेरिएबल ए ऐड कर दिया. अब ये वेरिएबल ए आ गया. अच्छा इससे पहले इतने हिस्से में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था n माइनस के माइनस वन यानी n माइनस थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम था. अब जब ये पूरा मॉडल हो गया तो अब पूरे मॉडल के बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी वो बनी n माइनस के यानी वन टू थ्री और माइनस वन यानी फोर. अब इसको बनूंगा तो n माइनस फोर, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कम हो गई, n माइनस थ्री वैल्यू ज़्यादा होगी, n माइनस फोर वैल्यू कम होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई. ओके, यानी किसी भी वेरिएबल को ऐड करेंगे, किसी भी वेरिएबल को ऐड करेंगे तो उसके ऐड होने से होता क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है, और जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है तो एक्सप्लेनेटरी पावर पहले के मुकाबले में कम हो जाती है. तो हुआ क्या कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल को ऐड किया, ऐड आपने वेरिएबल ए को किया, तो इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं. एक तो हमने देखा कि किसी भी वेरिएबल को ऐड करने से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के डिक्रीज होने की वजह से जो इसकी एक्सप्लेनेटरी पावर है यानी फॉरकास्टिंग पावर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रिलेटिवली कम हो गई तो अब उतना अच्छा फॉरकास्ट नहीं हो पाएगा. ओके, तो किसी भी वेरिएबल को अगर हम किसी मॉडल में ऐड करें तो वहां क्या एस्पेक्ट हमें नजर आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के कम होने की वजह से एक्सप्लेनेटरी पावर कम हो गई, एक बात. इसी वेरिएबल को ऐड करने से दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हो सकता है ये जो वेरिएबल आपने ऐड किया वो मोस्ट रेलिवेंट वेरिएबल हो. तो जब आप अपने रिग्रेशन मॉडल में y के हिसाब से मोस्ट रेलिवेंट वेरिएबल ऐड करेंगे, डिपेंडेंट के हिसाब से मोस्ट रेलिवेंट वेरिएबल ऐड करेंगे, तो रेलिवेंट वेरिएबल के एडिशन की वजह से, रेलिवेंट वेरिएबल के एडिशन की वजह से एक्सप्लेनेटरी पावर बढ़ जाएगी. देखिए वेरिएबल ऐड हुआ तो दो चीजें हमें नजर आई. नंबर वन, वेरिएबल के ऐड होने से डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम की कम होने की वजह से एक्सप्लेनेटरी पावर कम हो गई, जी ओके. इसी तरह वेरिएबल जब आपने ऐड किया और अगर ये वेरिएबल बहुत रेलेवेंट है तो इसके रेलेवेंट होने की वजह से इसकी एक्सप्लेनेटरी पावर बढ़ गई. अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर एक एस्पेक्ट से कम हो रही है और एक एस्पेक्ट से क्या हो रही है, ज़्यादा. तो अगर ये एक्सप्लेनेटरी पावर जब इंक्रीज हुई है इसके रेलेवेंट होने की वजह से, अगर ये डोमिनेट कर जाए, डोमिनेंट हो जाए किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के पावर के कम होने की वजह से, तो इसका मतलब है जो नेट इफेक्ट आएगा वो इंक्रीज आ जाएगा. इसी तरीके से अगर एक्सप्लेनेटरी पावर आई है, बड़ी तो है लेकिन उतनी नहीं बड़ी, लेकिन जितनी पावर कम हो गई है, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो
वो जी क्या डिक्रीज हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, याद रखिएगा, ये जो वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना, ये हो रही है किसकी, एडजस्टेड आर स्क्वायर की। इसका मतलब क्या हुआ, एडजस्टेड आर स्क्वायर किसी भी रिग्रेशन में उसी वक्त इंक्रीज होगा जब कोई वेरिएबल आप ऐसा ऐड करेंगे जो डिपेंडेंट के लिए वाकई मोस्ट रेलिवेंट है। क्योंकि जब आपने वेरिएबल ऐड किया तो दो एस्पेक्ट्स हमें नजर आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई जिसकी वजह से एक्सप्लेनेटरी पावर कम हो गई, जबकि इसके रेलेवेंसी की वजह से एक्सप्लेनेटरी पावर बढ़ गई। अब आप क्या देखेंगे, इसका नेट इफेक्ट, अगर इसका नेट इफेक्ट पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, और इसका नेट इफेक्ट नेगेटिव हुआ तो एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर रिलेटिवली ज्यादा बेहतर मेजर है, इसी वो उसी वक्त इंक्रीज होगा जब कोई रेलेवेंट वेरिएबल मॉडल में ऐड होगा। अगर रेलेवेंट वेरिएबल मॉडल में ऐड नहीं होगा तो उसका मतलब एडजस्टेड आर स्क्वायर में इजाफा नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम से एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम से एडजस्टमेंट है, एक्सप्लेनेटरी पावर की एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर उसी वक्त इंक्रीज होगा जब आप कोई वाकई मॉडल से रेलेवेंट वेरिएबल ऐड करेंगे, अदरवाइज एडजस्टेड आर स्क्वायर में इजाफा नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जबकि दूसरी सूरत में जब आप आर स्क्वायर देखते हैं तो अगर आपने कोई वेरिएबल ऐड किया तो अगर वाकई इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा तो शायद पावर बढ़ जाए, और अगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा तो पावर उतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि जब वेरिएबल आप ऐड कर दें तो 99% होता है कि आर स्क्वायर की वैल्यू तो बढ़ जाती है, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है ऐड होने वाला वेरिएबल रेलेवेंट है, और एडजस्टेड आर स्क्वायर अगर कम हो गया तो इसका मतलब ऐड होने वाला वेरिएबल रेलेवेंट नहीं है। तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट था, जो मेन डिफरेंस है आर स्क्वायर का और एडजस्टेड आर स्क्वायर का, और आर स्क्वायर कैसे ज्यादा बेहतर मेजर है। अब इसके थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले पर डिस्कशन करते हैं। अब डिस्कस करते हैं फॉर्मूला। जैसे हमने देखा था कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, ये लास्ट लेक्चर में आर स्क्वायर में ये था टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको हम ऐसे लिख सकें, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर प्लस आर एस एस ओवर टी एस एस इक्वल टू वन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आर स्क्वायर प्लस, अच्छा इस पूरे रेशो को उठाकर उधर लेके चला गया तो ये बचा वन माइनस आर एस एस ओवर टी एस एस। अच्छा, ये तो था आपका सिंपल आर स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आर एस एस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर और टी एस एस टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एक हल्का सा आपको थोड़ा सा रिवीजन दे दें ताकि ये बात समझ में आ जाए कि ये आपके पास स्कैटर प्लॉट था और ये आपने एवरेज से फॉरकास्ट करने की कोशिश की थी। ये आपको पूरा लेक्चर उसमें आर स्क्वायर वाले में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है, वहाँ आप ज़रूर देख सकते हैं उसको। तो ये जो टी एस एस था ये इस मीन की वैल्यू से निकला था। तो अगर मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन या सम का डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो वो आएगा आपके पास क्या, एन माइनस वन। और आर एस एस क्या था, आर एस एस निकला था रेग्रेशन लाइन से, ये था आर एस एस। और रेग्रेशन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ऑफ रेग्रेशन वो था एन माइनस के माइनस वन। तो आर एस एस क्योंकि रेग्रेशन लाइन है तो इसको हमने इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से एडजस्ट करना है, और टी एस एस क्योंकि मीन लाइन से निकला तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से एडजस्ट करना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में वन माइनस आर एस एस को एडजस्ट कर दूं डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो रेग्रेशन की है, डिवाइडेड बाय वन माइनस टी एस एस को एडजस्ट कर दूं इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से, किससे, एन माइनस वन से, तो अब ये जो फॉर्मूला आपके पास बना ये आपके पास कहलाता है फॉर्मूला ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर। इसी को अगर मजीद सिंप्लीफाई कर दूं तो कुछ इस तरह नजर आएगा, वन माइनस एन माइनस वन ओवर एन माइनस के माइनस वन इनटू आर एस एस ओवर टी एस एस, दिस इज एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है एडजस्टेड आर स्क्वायर का। तो आई होप आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।